नमस्कार दोस्तों, आज जैसे एक बार फिर से हम यूके ट्रिपल एससी के बाहर मौजूद हैं। पिछले हफ्ते भी हम यहां पर आए थे और हमने वादा किया था अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम यूके ट्रिपल एससी एक बार फिर आएंगे। और आज इसी दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यूके ट्रिपल एससी और हम यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ नितिन दत्त जी है जो आए हैं मसूरी से। इन्होंने एक परीक्षा हुई थी असिस्टेंट अकाउंटेंट, उसमें 8 साल से संघर्ष कर रहे थे अपनी ज्वाइनिंग को लेकर। और आज उस संघर्ष की बात आप खुद इनसे जानेंगे, इनकी जुबानी जानेंगे कि क्या इनपे बीती और क्या चीजें हुई, क्योंकि हमारे साथ जेल भी गए थे, पूरे 7 दिन इन्होंने जेल में भी बिताया था। इधर अगर आप मेरी दूसरी साइड देंगे तो इनके साथी हैं मोहन कैंथोरा भाई, ये भी जेल में गए थे और लगातार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमने बातें बहुत की वहां पर, चाहे वो परीक्षा कैलेंडर की हो, गणित साहित्य के बच्चे लगातार जो है मांग कर रहे हैं ज्वाइनिंग की, लगातार रैलियां कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने कहा कि उनकी ज्वाइनिंग आप कब तक दे रहे हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले, सबसे पहले ये जो इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस इंसान की तकलीफ अगर आप जानेंगे, इसके संघर्ष को अगर आप जानेंगे तो यकीन मानिए उत्तराखंड का हर बेरोजगार अपने लिए संघर्ष करना सीख जाएगा। और ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष को सीखना अगर आपको है, क्योंकि संघर्ष आपने आज तक बॉबी पवार से सीखा होगा, फिर राम कंडवाल आपके साथ आता होगा, लेकिन एक आज एक और ऐसे शख्स है जिन्होंने पिछले 8 साल से इस परीक्षा को किया और आज ये यहाँ पर गए हैं यूके ट्रिपल एससी के नए अध्यक्ष मोर्टोला जी से मुलाकात करके आए हैं। और उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के भीतर आपका काम कर दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ नितिन भाई आप बताइए अपनी दास्तान, क्या बीता था आपके बाद, उसके बाद परीक्षा कैलेंडर और कनिष्ठ साहब के बाद में बात होगी। 2016 जनवरी में असिस्टेंट अकाउंटेंट ओ लेवल के विज्ञप्ति आई थी, जिसका परीक्षा 2018 में नवंबर में करवाया गया था आयोग द्वारा। इसके बाद 132 पोस्टों में सिर्फ एक बच्चे का चयन हुआ और दूसरा नंबर मेरा था। इसके बाद क्या होता है, आयोग ने अपनी सिस्टम, उनका मुझे समझ में नहीं आया क्या, वो मुझे हमेशा बहकलाते रहते थे, अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो जब नवंबर 2018 में एग्जाम हुआ, उसके बाद मैंने अपनी आपत्ति दी, मेरी आपत्ति पे कोई सुनवाई नहीं की गई नवंबर से लेकर और जुलाई तक। जुलाई में एकाएक संतोष बडोनी जी और एसआर जी द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिया और मुझे कहा गया कि आप कोर्ट चले जाइए। मेरे को कुछ कोर्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं था, पर मैं तभी भी कोर्ट चले गया और कोर्ट में घिसते फिसते मेरे को 3 साल में कोर्ट में रहा हूं। और ये मानिए कि आयोग ने अपना वहां ऐसा पक्ष रहा जो चीज कभी हुई नहीं, उसको उन्होंने कोर्ट में भी झूठा बयान दिया। पर मजबूरी ये थी कि मैं कितने पैसे अपने कोर्ट में खर्च कर लेता, एक मतलब एक लिमिट होती है कि मैं इतना पैसा कोर्ट में खर्च कर लूं। पर आए दिन डेट पे डेट देते रहे, डेट पे डेट देते रहे और 5000 रुपये जब ये अपना काउंटर फाइल नहीं कर पाए तो संतोष बडोनी के ऊपर 5000 रुपये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा, जिसके बाद बडोनी जी सेकंड अपील में गए। सेकंड अपील में उन्होंने कोर्ट से अपील करी कि जो ये रिमार्क्स है मेरे पर ना लिखे जाए कि इससे मेरे करियर में नुकसान होगा, तो कोर्ट ने वो रिमार्क्स हटा दिए। मेरा कहने का मकसद है 8 साल में सोचो, जो गवर्नमेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट जैसी छोटी पोस्ट का एक एग्जाम नहीं करा पाई आज तक, आज भी पोस्ट खाली की खाली पड़ी है। तो मुझे ये दुख होता है कि जैसे मेरे जैसे और जो अभ्यर्थी हैं, लोग हैं जो अपने गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, जो अपना खून पसीने की कमाई अपने बच्चों पर लगा रहे हैं, किस तरह से हमारा शोषण किया जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक मैं तो पहले अपने आप अकेले लड़ता था इस लड़ाई को, अकेले मैंने हर जगह गया हूं, पर मेरे को बॉबी पवार भाई और राम कंडवाल भाई, इन लोगों से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और मैंने इनको देखो किस तरह से ये लोग बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। और मेरे को ये लगता है कि जिस तरह से मैंने 8 साल मतलब अकेले काटे, मतलब कोई जान पहचान वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आयोग में आओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है, ये आयोग की बिल्डिंग बदल चुकी है आज की डेट में। और 8 साल से मैटर मेरा आज तक निपटा नहीं है। अभी ये मतलब इतना दुर्भाग्य इस प्रदेश का, मैं 2 नेशनल 5 स्टेट 1 इंटरनेशनल खेली है मैंने और ओ लेवल करा है। और जिन छात्रों को, जो छात्र समझते हैं ओ लेवल की चीजें, तो इतना कुछ करने के बाद भी इस प्रदेश के अंदर एक आम युवकों को नौकरी नहीं मिल सकती, दुर्भाग्य की बात है। जैसे मैं एक इसमें ऐड करना चाहूँ, सुनील उलियाल गामा जी हैं जो है हमारे मेयर देहरादून के, उनकी लड़की अकाउंटेंट है विभाग के अंदर, वो भी उपनल के थ्रू किसी और माध्यम से आई है। मैं कहना चाहूंगा एक चीज, अगर है दम आपके अंदर तो ओ लेवल करके दिखाओ और फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट जैसी पोस्टों में जाके दिखाओ। मतलब ये होता है कि गरीब आदमी का बच्चा जमीन से जुड़ के वहां तक पहुंचता है और ये लोग सिर्फ अपनी सेटिंग के नाते ऐसे लोगों का, मैं बोलता हूँ, बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो सुनील उलियाल गामा हो, चाहे कोई भी नेता हो जो अपने गरीबों को हक खा के अपने बच्चों या रिश्तेदारों को नौकरी देता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, इसके बाद धोखा सबसे बड़ा संतोष बडोनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसकी पूरी कैबिनेट ने कराया। अगर आप मेरी नहीं मानते तो मेरे पूरे का पूरे सबूत है।
जो हुआ संतोष बोडरी ने जो लेटर बना के दिया उसे पूरी की पूरी ने कैबिनेट एक्ट पास कर दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि 132 पोस्ट की 667 पोस्टें हुई हैं, इसका सीधा सीधा मकसद है क्योंकि ओ लेवल कम बच्चे थे और इन्होंने क्या करा कि उसको हटा के मतलब ओ लेवल हटाने के बाद इन्होंने 667 कुछ पोस्ट है उसमें। मैं ये कहना चाहूँ कोई बच्चा इस गुमराह में नहीं रहे कि ज्यादा पोस्ट हो गई। आप ये सोचिए जिस पोस्ट की क्वालिफिकेशन ओ लेवल रहेगी आज उसमें कंप्यूटर तो शामिल नहीं है और हमें आपस से बटना नहीं है, कंप्यूटर है नहीं है, जो चीज हो रही है चलो हो रही है पर हमें ये देखना है कि कहीं 600-650 पोस्ट है कहीं बिक तो नहीं रखी होंगी। मतलब ये मत सोचना कि नहीं यार कि हम ज्यादा बच्चे हैं या कम बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पोस्ट पहले ही बिक जाएगी तो उससे हम करेंगे क्या? तो मेरा ये कहना है कि बहुत प्रॉब्लम है और मैं अपने जितने भी युवा साथी है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इससे संबंधित कार्य कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा देखो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है पर अपने पास प्लान बी जरूर रखो। अगर प्लान बी नहीं होगा ना तो इन लोगों के भरोसे मत बैठो। ये सब के सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप सचिवालय से लेके आप किसी विभाग के अंदर चल जाइए, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंगल आदमी की कोई पूछ नहीं। जब तक आप संगठन के साथ नहीं जुड़ोगे, संगठन के साथ काम नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अंत में यह बोलना चाहूंगा कि इतना दुख झेलने के बाद आठ साल में से मैं 3 साल कोविड में कोर्ट में रहा हूं। सोचो जब लोग अपने घरों में रहते थे मैं कोविड में कोर्ट में जाता था, ना कोई यहाँ देखने वाला ना कोई समझने वाला, आप किसी के पास भी चल जाओ। आज मैं लोक सेवा आयोग में राम भाई के साथ गया हूँ और मार्तोली जी से हमारी बात हुई है। मार्तोली जी को हमने बताया अगर एक हफ्ते के अंदर हमारा कार्य जो मेरा मामला पेंडिंग है यहाँ पे और अगर वो एक हफ्ते के अंदर नहीं हुआ तो इसके बाद हमने चेतावनी दे दी है। नितिन भाई का जो मुद्दा है वो काफी एक तरह से चौंकाने वाला भी और आप लोगों को बहुत बड़ी सीख भी देता है क्योंकि ऐसा संघर्ष जो है आप लोगों को सीखना है कि अगर नितिन दत्त मसूरी से आते हैं और अप डाउन करते हैं, कभी कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, कभी आयोग के चक्कर लगाते हैं और उन भ्रष्ट जो पहले के यहाँ पर अधिकारी थे उनसे भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अपनी चीजों के लिए जो है आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये संघर्ष जो है प्रदेश के हर बेरोजगार को, हर नौजवान को, हर युवा को इनसे सीखना चाहिए। अब दोस्तों बात रही आज की जो एक और मुद्दा है UK SSSC के कैलेंडर का जो जारी होने वाला है वो बात भी हम लोगों ने वहां पर की और जो कैलेंडर जारी होने वाला है वो लगभग जो है अगले महीने का है, अप्रैल के पहले हफ्ते में कहा है कि जो है परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा। हालांकि जब हम पिछली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर जो द्वितीय सप्ताह है उस तक जारी हो जाएगा, लेकिन आज जो है चीजें बदली है। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और उसके सेंटर चिन्हित हैं अभी फिलहाल, तो कैलेंडर जो है पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। दोस्तों बात करें कलेश साहेब की तो देखो कलेश साहेब का भी मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। रोज जो है बेरोजगार यहाँ पर रैलियां कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो उसका इसी हफ्ते उन्होंने कहा है ये जो हफ्ता जा रहा है, आज मंगलवार हो गई तो शनिवार तक मुझे लगता है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो चीजें हैं, जो संवाद है वो भी जारी हो जाएगा। आपको कुछ कहना था कैंथोरा भाई? देखिए जो भी युवा साथी हमें इस समय देख रहे हैं मैं उन लोगों से एक अपील करना चाहूंगा और उन लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि देखिए आज की डेट में आपके पास इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आप अपनी आवाजों को कह सकते हैं और अपनी हक की आवाज के लिए आप लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से आपने अभी आंदोलन के तहत जो भी चीजें देखी हैं, नितिन भाई के साथ मैं काफी टाइम से जुड़ा हुई हूँ, हम एक ही शहर से आते भी हैं। उनके जो ये व्यथा है, जो इनका तमाम जितनी भी इन्हें परेशानियां सही हैं, जैसा भी कंडवाल जी ने बताया कि चाहे नैनीताल हाईकोर्ट में जाने से लेकर बात रही हो, चाहे आयोग के चक्कर काटने से ही बात रही हो, मैंने उनके दर्द को बहुत करीब से समझा भी है और छात्र संघ अध्यक्ष रहने के बावजूद उनके अंदर हमेशा एक दूसरे के प्रति ललक रहती थी कि मैं किसी के लिए कुछ काम आ सकूं। उसी के दौरान हम जब बेरोजगार संघ के साथ बहु विवाह के साथ जुड़े, तकरीबन 7-8 महीने पहले से हम उनके साथ जुड़े हैं और एक उम्मीद की किरण वहां पे नजर आई कि हम क्यों ना अपनी बात को आपके माध्यम से रख सकें। जब हम दूसरों की छात्रों की पीड़ा को हम समझ सकते हैं तो इतना बड़ा प्रकरण जो आपके साथ हुआ है तो आप अपनी बात को क्यों ना कह सकें। तो मैं आज धन्यवाद भी देऊंगा कांडवाल जी का जिन्होंने हमारी बात को थोड़ा सा गंभीरता से लिया और उन मैटर को, क्योंकि देखो व्यस्तम समय इनके पास भी बहुत है। तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके पास हजारों दिन नए नए लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तो हम भी उनका व्यस्तम समय को देखते हुए हम भी अपनी बात को नहीं कह पाए, लेकिन आज जब हमने उनकी बात कही तो उन्होंने फौरन उसमें एक्शन लेते हुए हमें बोला कि आप एक बार अपनी अर्जी लगा के आइए क्योंकि नए आयोग के अध्यक्ष आए हैं, उनको अपनी बात को समझाइए और तब अगर वो नहीं मानते हैं तो अपनी बात को समझाने के हमारे पास दूसरे तरीके भी आते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग धैर्य बना के रखिए और अपनी आवाज को अपने हक से लड़ने की कोशिश करिए। हर एक घर के अंदर बॉबी पावर, हर एक घर के अंदर
कर्णवाल राम कर्णवाल जी हैं, हर एक घर के अंदर नितिनदर जी हैं, हर एक घर के अंदर हरिओम जी हैं, जो हमारे जेल के जितने भी साथी हैं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा आप अपने क्षेत्र में इसी तरह से काम करते रहिए। धन्यवाद। तो फिलहाल दोस्तों अभी विदा लेने का समय आ चुका है, और जैसे हमने वादा किया था कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हो, चाहे कहां भी हो, चाहे वो यूके पीएससी जैसा भ्रष्ट आयोग हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो, इन दोनों आयोगों को, और चाहे वो दूसरा माध्यम हो किसी भी परीक्षा एजेंसी को कराने का, वहां पर जब तक बेरोजगारों के साथ अन्याय होता रहेगा, हम वहां पर खड़े हैं, खड़े रहेंगे। दोस्तों फिलहाल नमस्कार।